अभी तो शुरू करने की, अभी तो आए हैं, शुरुआत अभी होगी एंजॉयमेंट की, लेकिन एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है बिकॉज क्रोएशिया फ्रांस का फाइनल है और हम दोनों क्रोएशिया के सपोर्टर हैं. इसने बेसिकली फ्रेंच को सपोर्ट कर रहा था ये, बिकॉज वी नीड समबडी, समबडी हैज टू सपोर्ट फ्रांस यार. द होल वर्ल्ड इज सपोर्टिंग फ्रांस यार. क्रोएशिया को पता भी नहीं था कहां पे है. बेसिकली हम लोग अंडरडॉग हमने अंडरडॉग को सपोर्ट, हम लोग अंडरडॉग को सपोर्ट कर, हम लोग खुद अंडरडॉग है ना. लाइफ में कुछ कर दिखाना है क्रोएशिया, कम ऑन. आप कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे थे तरनवीर बोरा? बेल्जियम और जापान को सपोर्ट कर रहे थे. बेल्जियम ने जापान को मात दे दी और फिर बाद में इंग्लैंड ने, नहीं इंग्लैंड ने नहीं, किसने, इंग्लैंड ने, इंग्लैंड ने, इंग्लैंड जापान बेल्जियम को हराया. किसने? बेल्जियम ने जापान को, हाँ एग्जैक्टली, फ्रांस ने बेल्जियम को मात दी. आपको बेस्ट मैच कौन सा लगा तरनवीर बोरा? वो जापान और जो एंड में वो ओवरटेक करते हैं, ओवरटेक करते हैं. द बेस्ट पार्ट अबाउट द जापान टीम वाज उन्होंने अपना लॉकर रूम कितना क्लीन छोड़ा था. I think Japanese में जो भी बोलते हैं, कोनिचिबा, 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 very nice and बहुत अच्छा message था यार. Really, I think ये पूरा 90th minute. Yeah, no, ये पूरा जो World Cup था was the World Cup for the underdogs. So next World Cup कहाँ होना चाहिए? ये कहाँ हो रहा है? पता है आपको? No, 2026 का बताया जो कि सऊदी में हो रहा है. Okay, next वाला कतार में ही हो रहा है. Good. Next वाला कतार में हो रहा है. हाँ. नहीं नहीं World class stadiums. 22 कतार में नहीं हो रहा है बाबा, 26 कतार में हो रहा है. तो 22 कहाँ हो रहा है? US. वो मुझे नहीं पता. We'll Google it. Yeah, we'll Google it. आज की मैच में आपके फेवरेट प्लेयर कौन थे? Well, actually, France को मम्बप्पे, सबका बापा है वो. Yeah, Dojovic. Okay. So Croatia के I think दो स्टार्स आर लुका एंड रैकेटिच. क्रोएशिया लुका वाज फ्रॉम बेल्जियम. नॉट लुकाकू, लुका. अच्छा, लुका मॉड्रिक. Luka Modric is from Real Madrid and your Rakitic is from Barcelona. So, two best team ke best players, very good midfielders. Aur France to yaar, it's a full star-studded team. Youngsters hai, man, really. I love when this guy scores. Griezmann, he has that telephone calling celebration, so I like that. And Mbappe is thoda cheating kari usse last time. But nahi nahi, wo cheating nahi thi yaar, come on. Haan, matlab jo wait kar rahe hai ki nahi, I don't like that attitude, but ठीक है बच्चा है. ये वाले वर्ल्ड कप में बहुत कुछ हुआ कि यू नो ड्रामा और एकदम कुछ ज्यादा ही उसको चीटिंग नहीं बोल सकता, कुछ ड्रामा बहुत ज्यादा हुआ. वीआर सिस्टम वाज वेरी गुड दिस टाइम, सबको पेनल्टीज मिल गई जब जब चाहिए थी. दैट वाज गुड. और क्या आपने एंजॉय किया पिछले वर्ल्ड कप से इस वर्ल्ड कप में, क्या अलग लगा आपको? पिछले वर्ल्ड कप में यार मैं ऑल स्टार्स के लिए नहीं खेल रहा था, इस बार मैं ऑल स्टार्स के लिए भी खेल रहा हूँ, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है. मैं बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हूँ एक्चुअली, सो ऑल स्टार्स के लिए भी बहुत जोर था. वेरी हैप्पी. नहीं नहीं नहीं, ये गलत जवाब, गलत सवाल. खेल के देखो फुटबॉल पीछे नहीं, फुटबॉल बहुत आगे है. बस वही है कि आप लोग जो है, मीडिया जो है, क्रिकेट को ज़्यादा तवज्जो देती है. अब जाके आप फुटबॉल को भी तवज्जो दें. इनफैक्ट तवज्जो क्या, हमारे एथलीट अभी जो दास जो है, शी वन द 400 गोल्ड. सो वो बहुत बड़ी बात है. तो हमारी इंडिया भी पीछे नहीं है, बहुत आगे आ रही है हर उसके अंदर. सो आई थिंक यू गाइस शुड आल्सो सपोर्ट ऑल द एथलीट्स एंड ऑल द प्लेयर्स. गो फॉर ऑल द अदर स्पोर्ट्स आल्सो बिसाइड्स क्रिकेट. एक्साइटेड और मेरे साथ साथ आई एम श्योर मतलब सभी एक्साइटेड हैं. एंड जो टीम इस बार आई है, दैट इज़ द मोस्ट आई थिंक वो ज़्यादा एक्साइटिंग पार्ट है. सो लेट्स सी हु विंस. मैं क्रोएशिया को ये कर रही हूँ, सपोर्ट कर रही हूँ, बिकॉज आई थिंक वो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड तरीके से आगे आई है. सो आई एम सपोर्टिंग दैट टीम. फेवरेट प्लेयर तो एज सच कोई नहीं है, बट आई जस्ट वांट टू से ऑल इज गुड. मैं बहुत ज़्यादा ऑनेस्टली मैं बहुत ज़्यादा ऐसे फुटबॉल देखती नहीं हूँ, बट दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम एंजॉइंग सो मच बिकॉज इट्स टू मच ऑफ क्रेज इन पीपल लाइक ऑन FM एंड एवरीवेयर इट्स फुटबॉल एंड फुटबॉल एंड फुटबॉल. सो दैट क्रियोसिटी मेड मी वॉच फुटबॉल दिस टाइम. मैंने कुछ बीच बीच में शो मैचेस देखे हैं और अभी फाइनल है तो अभी फाइनल देख रही हूँ. हाँ हाँ सी ऑनेस्टली लाइक आई सेड आई डोंट वॉच दैट मच, बट आई एंजॉय इट. आई वॉच विद माई फ्रेंड्स, सो या आई एंजॉय एनीथिंग. कह रहा तो बहुत सारी चीज़ें चाहूँगा, बट
लेट्स सी, सब लोग अपनी अपनी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं. मैं एक्चुअली फुटबॉल को फॉलो नहीं करता था, बट लास्ट ईयर से मैंने थोड़ा फॉलो, लास्ट वर्ल्ड कप से मैंने फॉलो करना चालू किया. तो इट्स ए इंटरेस्टिंग गेम. जैसे क्रिकेट में हम लोग को दोनों इनिंग का वेट करना पड़ता है, तो इट्स वन ऑफ द कंटिन्यूस गेम. एंड समथिंग विच आई ऑलवेज ऑप्ट फॉर वो फ्रांस थी शुरू से, तो बीच में मैं फॉलो नहीं कर रहा था, बट धीरे धीरे जैसे जैसे पता चलने लगा कि हाँ फ्रांस फाइनल तक पहुँच गई है, तो थोड़ा बूस्ट करने लगा, थोड़ा शो ऑफ करने लगा कि देखो जो मैं चाहता. तो समय की लेट्स सी, आई एम होपिंग कि फ्रांस जीत जाए, और बाकी बाकी तो सब डिपेंड करता है. यार मेरा फेवरेट मेसी है, और हाँ जेन्युइनली, बट मुझे कुछ बुरा नहीं लगा था इतना कि वो जब टीम बाहर हुई थी, बट समवेयर डाउन द लाइन या बिकॉज मे बी बिकॉज इज टू फेमस टू वॉच फॉर एंड टू टैलेंटेड टू प्ले फॉर, सो दैट्स व्हाट या आई प्रेफर टू डू. धीरे धीरे मेरा थोड़ा पैशन डेवलप हो रहा है फुटबॉल की तरफ. ड्रामा एक्चुअली बहुत सारा हुआ है इस बार. सारी जो नॉर्मल टीम्स थी, जो न्यू कमर्स हैं, जैसे हम लोग ने आईपीएल में भी इस बार देखा था कि बहुत सारे नए प्लेयर्स हैं जो जिन लोगों को चांस मिला है, और जिन लोगों ने डेफिनेटली बहुत अच्छा प्रूव करा है. दैट्स व्हाट वी कैन सी इट इन दिस फुटबॉल ऑल्सो दिस ईयर. आई एग्जैक्टली प्रैक्टिकली डोंट रिमेंबर सबके नाम, बट फ्रांस का एक प्लेयर है, आई फॉरगॉट हिज नेम यार, ऐसे याद नहीं आ रहा है. सो या सो बहुत सारी नई नई टीमें वापस आ रही हैं, और जो दिग्गज लोग हैं वो सब बेचारे बाहर हो चुके हैं, लाइक अर्जेंटीना एंड ऑल दोस अदर प्लेयर्स. फेवरेट मैच थी मेरी जब वो डिसाइड हो रहा था, किसका था यार, ब्राज़ील और आई फॉरगॉट, जिसमें क्रोशिया फाइनल में पहुंची थी, किसके साथ थी, जो सेमीफाइनल था क्रोशिया का, किसके साथ था लास्ट मैच जो था, याद है लास्ट मैच जो था. और कल इतना इंटरेस्टिंग नहीं था मैच, बिकॉज थर्ड पोजीशन का खेला जा रहा था. एग्जैक्टली अभी देखो शायद आज का मैच मेरा फेवरेट हो गया. यार आई हैव बीन हियरिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट इंडियन प्लेयर्स. हम लोग के पास भी बहुत सारे प्लेयर्स हैं, लाइक आई डोंट नो मच, बट आई हैव हर्ड सुनील है जो बहुत कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग भी फुटबॉल कैटेगरी में आ जाए. सो आई विश हिम रियली वंडरफुल गुड लक फॉर दैट. और धीरे धीरे जैसे हमें पता चलेगा कि हमारी इंडिया की टीम भी इसमें फॉलो अप कर रही है और लॉन्च हो रही है, सो इट विल बी समथिंग इंटरेस्टिंग. अभी जो इंडिया में ऑलरेडी एक क्राउड गैदर हो चुका है फुटबॉल को लेकर, लोग कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं, एंड लाइक हाउ वी हैव कम टू सी एट दिस प्लेस. सो आई एम होपिंग कि नेक्स्ट वर्ल्ड कप में या फिर उसके पहले हम लोग एक टीजर तो ज़रूर डाल देंगे कि दैट्स व्हाट, हाँ वी ऑल्सो हैव सम फुटबॉल टू प्ले फॉर. यार मेरी मेमोरी है ड्यूरिंग माय कॉलेज स्कूल डेज, हम लोग की जब वैकेशंस लगती थी तो हम लोग प्रैक्टिकली बारिश का वेट करते थे, जब वो ग्राउंड पूरा मडेड हो जाए, पूरा कीचड़ में हो जाए, उसके बाद हम लोग वहाँ जाते थे, फुटबॉल खेलते थे. बट एग्जैक्टली बोलूँ तो फुटबॉल कम खेलते थे और मस्ती ज़्यादा होती थी. सो वो मेरी मेमोरी है फुटबॉल को लेकर. और अभी जैसे मैं बात कर रहा हूँ तो मुझे बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही है, बहुत सारा मतलब बहुत मज़ा आता था, बट या इट्स ग्रोइंग ऑन मी, इट्स द डेवलपमेंट इज सो फार बेटर, गुड.